मुझे कहा गया था कि भारत की जो लड़के लड़कियां कबड्डी के प्लेयर्स दोनों टीमें जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है वो आ रही हैं यहाँ, तो बहुत ही एक्साइटेड था कि एक हमारे लिए तो बड़े फख्र की बात है कि हमारी बच्चियां इस तरह से इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि एशिया की गेमों में वो गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं और लड़कों ने भी। तो मगर यहाँ आकर देखा तो कोई है नहीं, थोड़ा सा दिल थोड़ा सा बुझ सा गया। अब कबड्डी इतनी गांव के गरीब लड़कों की खेल है, मैं भी गांव का गरीब लड़का हूँ, मैंने भी कबड्डी खेली है। बड़ी जोर इसके लिए काफ़ी दम चाहिए, इसके लिए बड़ी शातर होना चाहिए। और उसके ऊपर हमारे शैलेश ने एक फिल्म बनाई है बदलापुर की, बदलापुर बॉयज, मैंने थोड़े से अंश देखे हैं उसके पिक्चर के, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है और मुझे लगा बड़े मौके पे फिल्म आ रही है और मैं दुआ करता हूँ उसकी ये फिल्म खूब चले। फंक्शन में इसलिए आए हैं कि आप देख रहे हैं ये नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो ये बिल्डर साहब जो हैं इन्होंने कुछ ये कला की भी पुजारी हैं, तो दो फिल्में, एक तो बदलापुर बॉयज़ और एक हमारी फिल्म है रज़ाकार। तो हमारी मतलब कि हमने उसमें काम किया, तो उसके हीरो अपने सिद्धार्थ जादव हैं और मैं उसमें, क्योंकि मेरी शक्ल पे लिखा बुरा आदमी है, सब बुरे आदमी का रोल देते हैं मुझे, तो मैंने उसमें विलेन का काम किया है। उसमें और डिटेल क्या बताएं, अभी तो फिल्म पोस्ट में है। रज़ाकार एक ऐसा नाम इन्होंने चूज़ किया है जो बहुत लोगों को शायद समझने में दिक्कत होगी, लेकिन जब फिल्म रिलीज पे आएगी तब बताएंगे रज़ाकार का क्या मतलब होता है उसके पीछे बहुत बढ़िया। जैसे जो करम मूवीज़ है जिन्होंने ये बिल्डिंगें भी बनाई हैं और हमारी दो फिल्में भी रिलीज, यानी फर्स्ट लुक आज रिवील हो रहा है, तो हमारी जो रज़ाकार फिल्म है एक अलग किस्म की फिल्म है, एक हिस्ट्री है जो हम लोग को मालूम नहीं है, यानी आज की यूथ को मालूम नहीं है। और फिल्म तो अच्छी बनी है और आप देखेंगे तो आज फर्स्ट लुक भी है तो आप देखेंगे। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जाकिर सर, क्योंकि हिंदी में तो सर को हमने बहुत फिल्मों में देखा है, वैसे तो उन्होंने कहा कि उनकी शक्ल में लिखा है बुरे आदमी, लेकिन असल में बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे को आर्टिस्ट है, तो एक उनके साथ काम करने में मज़ा बहुत आया। और एक ऐसी फिल्म है जो हम लोग सब देखेंगे तो सच्ची में लगेगा यार कुछ करने के लिए था ये फिल्म में। और एज ए एक्टर मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि जैसे हमने बोला कि कॉमेडी के साथ कुछ अलग करना चाहिए, तो ये फिल्म में बहुत सारी चीज़ें करने को मिली, एक्शन है, इमोशंस है और कॉमेडी भी है। कॉमेडी तो अलग तरह है, उस कैरेक्टर में है, इनके उस कैरेक्टर में है, वो इनोसेंस है, इनोसेंस है, वो हंसी आती है। और सिद्धार्थ ने और हमने एक और फिल्म की है साथ में, हिंदी फिल्म की है। शूटर उसका नाम है, वो आएगी भी पोस्ट प्रोडक्शन में। बदलापुर बॉयज़ का म्यूज़िक रिलीज़ है, आप देख रहे हैं यार, बहुत एक्सपेक्टेशन है लोगों की, क्योंकि कबड्डी के ऊपर फिल्म है और सब नए लोग हैं एंड डायरेक्टर भी नए हैं। सो हमने अपनी ईमानदारी से जितना कर सके हमने किया और आप लोगों के ऊपर है, प्लीज़ आइएगा, देखिएगा, बुरा लगे तो देख कर गाली दीजिएगा, आजकल पब्लिक प्लेटफॉर्म में ओपन है, आप बोल दीजिएगा इनको काम नहीं आता, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आप लोग आइएगा ज़रूर, प्लीज़ देखिएगा और ख़ुद डिसाइड करिएगा कि हमारी मेहनत ठीक है कि नहीं। बदलापुर बॉयज़ में मैं निशान जो हीरो प्ले कर रहा है उसकी मदर का कैरेक्टर है,
और इसमें एज स्पैन है जो निशान पहले छोटा बच्चा होता है और बाद में बड़ा होके कबड्डी प्लेयर बन जाता है, तो एक अच्छा खासा कैरेक्टर है जो काफ़ी सीरियस भी है और बेटे को अपने दुख से दूर रखने की कोशिश करती है ये माँ। और मुझे लगता है कि माँ के कैरेक्टर्स अभी आजकल हिंदी सिनेमा से थोड़े से गायब से होते जा रहे हैं, जो चाहिए क्योंकि संस्कारों के लिए थोड़े अच्छे वैल्यूज़ के लिए ज़रूरी है एक माँ का किरदार भी रहना। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में काम करके, सारे कलाकार बहुत ही टैलेंटेड रहे हैं, दो दे आर न्यू कमर्स लेकिन सब FTI ट्रेंड है, और बाकी जो अपने सीनियर एक्टर्स हैं अनु कपूर जी हैं, अमन वर्मा है या अपने विनीत शर्मा है, तो काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं इसमें और एक आज के दौर के सिनेमा है मैं कहूँगी। हमारी फिल्म बदलापुर बॉयज़ जो कि डायरेक्ट की गई है मिस्टर शैलेश वर्मा एंड प्रोड्यूस की गई है करम फिल्म्स के द्वारा, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दी ऑडियंस कि 7 November 2014 को जाकर देखें। ये कबड्डी बेस्ड फिल्म है, ये है कबड्डी बेस्ड फिल्म पर इसमें आपको हर इमोशन मिलेगा, कॉमेडी बहुत अच्छी है, बिल्कुल नई तरीके की कॉमेडी, बहुत ही सिंपल एंड नेचुरल, लव रोमांस एंड हार्ट ब्रेक्स एंड थ्रिलर एंड एक्शन आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, और मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग ये जाकर देखें इस फिल्म को और इन्जॉय करें, बिकॉज आई थिंक आप जो भी ऑडियंस इस फिल्म को देखने जाएगा वो इस फिल्म के साथ बाहर आकर ये नहीं कहेगा कि उन्होंने अपना पैसा वेस्ट किया। आई थिंक